क्या है पीयूष, तेरे को क्या चाहिए? मेरे को सुप्रा, सुप्रा चाहिए। We have got a monster truck. क्या शादी में जा रहे हो क्या? ये की शादी? अगर रोड से बाहर गए ना पलट जाएंगे सच्ची में। So guys, खाना खा लिया हम लोगों ने एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस सौरभ भाई के घर। और आज आज हमारी सुपर कार गेस्ट कौन चलाने वाला है? सौरभ भाई चला लोगे ना? इंश्योरेंस गाड़ी का तो आपका है ना? सौरभ भाई ना भव्य को पूछ रहे थे कि भव्या क्या करती है। भव्या क्या बताया नहीं तुमने? लैपटॉप पकड़ती है, सारा मैनेजमेंट देखती है वो बैक एंड का। लैपटॉप पकड़ के अभी क्या कर रहे हैं अपना ये सब कुछ। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं घर और रास्ते में ना बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। बट द थिंग इज गाइज रास्ते में ना मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूँ सेफ्टी कंसर्न इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि वी डोंट स्टॉप। एंड फिर अगर हम लोग यहाँ रुक जाएंगे ना और सौरभ भाई और हम बाहर उतर गए तो फिर पता है इतना ज़्यादा इशू हो जाएगा ना पब्लिक का। और फिर लोग ना इसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा करके कि भाई ये रुकते नहीं भाई, हम लोग आराम से सब लोगों के साथ फोटोज़ करवाते हैं। सौरभ भाई भी जितने लोग सुबह मैं खुद मेरे सामने ऑनेस्टली जितने लोग मिले सबके साथ फोटोज़ करवाइए, बट पब्लिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर अगले दिन हम वीडियोज़ देख रहे होते हैं। घमंडी सौरभ जोशी, सौरभ भाई कल ही आ जाएगी देख ले। असली घमंड तो हर्ष और भव्या में गाइस, ये नहीं खिंचाते फोटो। घमंड की बात नहीं होती यार, प्राइवेसी कंसर्न एंड सेफ्टी कंसर्न होता है। पता है इसी कारण से ना हम लोग अपनी जीटी नहीं लेके आए। अगर हम लोग अपनी जीटी लेकर के आते ना कसम खत्म हो जाते हम लोग, खाने नहीं खा पाते। हाँ, तुम्हारे वैसे तो खाना तो वैसे भी नहीं खा पा रहे थे हम लोग सौरभ भाई, बट नहीं पहुंच पाते हम लोग, नहीं पहुंच पाते राइट यार। हम लोग ना बस जा ही रहे थे घर, बट सौरभ भाई ना गड्ढों में ऐसे कुदा रखे ना भाई, है लेकिन सही है, लेकिन थार में पता लगता है सौरभ भाई, पता आपको उसका? हाँ, इसमें नहीं चलता, लाइक इसमें तो नहीं पता लग रहा ना सच्ची में, एक्चुअली में लाइक पहला इतना ऑफ रोड पे मैं पहली बार बैठा हूँ, इसमें गड्ढों का ना पता नहीं चलता। और स्पीड भी आराम से लाइक 130-140 तो ईजी कर रही है। एक बार ऑफ रोड पे चलेंगे सौरभ भाई, लेकिन सही है आपने अपनी थार लेके चलेंगे। ओके गाइस, ये ना वो बॉम्ब वाले मुझे बहुत होंगे सारे ब्लॉग में क्योंकि बस वो ही कॉन्टेंट चल रहा है। गाइस सामने देखो सौरभ भाई के घर के बाहर ना ज्यादा अच्छी लग रही है। सौरभ भाई से यहीं खड़ी कर देते हैं, ठीक है? कर दे यार भाई, आप अपनी फॉर्च्यूनर ले जाओ। 2 लाख रुपए का रेंट पे, ओके ठीक है, कमीशन अलग है। लेकिन 2 लाख रुपए का रेंट, हाँ भाई मेरी यूट्यूब इनकम थोड़ी लीक हो रही गाइस। तो यार पहुंच चुके थे हम लोग सौरभ भाई के घर और सौरभ भाई चला रहे हैं गाड़ी। हेयर इज पीयूष, क्या ले मेरे भाई? बढ़िया, हाइट लंबी हो गई। बड़ा हो गया अभी, लास्ट टाइम से बड़ा हो गया गाइस। फिलहाल सौरभ भाई चला रहे हैं। मालिक खोल दो, मालिक कहाँ है, हमारी चाबी कहाँ है? असली मालिक तो यहाँ बैठे गाइस। हेलो सौरभ भाई, रेड है ना? ठीक है जी, चाबी वायरलेस है ना, खोलो। अरे सिद्धि से सौरभ भाई, अच्छा बटन नहीं है क्या? बैठो, आवाज तो नहीं आएगी? नहीं 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 आएगी, मैं आराम से रखना। पीयूष आ जा उधर पीछे से बैठ जा। पीयूष सौरभ भाई दो बार ही दबाओ अनलॉक वाली की। हाँ तो अब मेरे हाथ में आ चुका है स्टीयरिंग। पीछे करना पीयूष से, एक जादू दिखाता हूँ। ब्रेक पता ही है ना, ये रहा इसका इंजन वाला ऑन ऑफ, सही है? ओ ये क्या है? ये रोल्स रॉयस वाली छत। सो गाइस सौरभ भाई गाड़ी चला रहे हैं, आई होप आराम से चलाएं। हो गया ड्राइव, डी पे डाल दिया, बस डी पे डाल दिया। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत लो है ना तो सौरभ भाई चलाने में ना बहुत फील आती है ऐसे। जय माता रानी, जय माता रानी। अरे बाहर एक राउंड लेके आ रहे सौरभ भाई, कुछ नहीं हो रहा है, एक राउंड लेकर के घुमा करके वापस आ जाएंगे भाई। बाहर बंदे खड़े थे। अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा है, अब आ चुके हैं बंदे। दबाओ। अरे यार ये पीछे खड़े हैं, आवाज नहीं आएगी, टेंशन ना लो। थर्ड, ओ हाय, ओ पुल बहुत खतरनाक है सौरभ, केवल 2 ही बंदों को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दी है, एक पर ना भैया और दूसरे सौरभ भाई, दैट्स इट। तो यार सौरभ भाई लेकर के आ चुके हैं जीटी को रोड पर। सौरभ भाई यार रोड से नीचे नहीं आ, पलट जाएगी, अजीब होनी है, घूम जाएंगे हम लोग सच्ची में। बस रोड से नीचे मत निकालना सौरभ भाई, एनी पॉइंट हाँ अगर रोड से बाहर गए ना पलट जाएंगे सच्ची में, क्योंकि ये टायर बिल्कुल। अब पैडल शिफ्टर पे काम करेगी पूरा, मेरे को लगा नहीं था इतना तेज खींच लेंगे भाई। बस मतलब पता है ना रोड से नीचे मत उतारना है, इतनी कॉस्ट नहीं तो सच्ची में सौरभ भाई
घूम जाएगी गाड़ी बहुत बुरी। डर लग रहा है क्या आपको? हाँ भाई डर तो लगेगा ही भाई, आपने बहुत ज्यादा फुल कर रखी है गाड़ी। सौरभ भाई भाई ने बहुत ज्यादा खींच रखी गाइस सीटी कसम से। मैं और मैंने ना S+ पे डाल के दिए, S+ स्पोर्ट्स मोड के भी एक ऊपर। अब आराम से, हां बस अब आराम से लेना, पहले रुक जाओ, पहले आगे उठाओ 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 बस ऐसी। हां जी क्योंकि बीच वाला बेस लग जाता है अगर ज्यादा तेज उठाओगे। चलो पीयूष मजा आ रहा है बहुत, फट भी रही है क्या करें। ऑनेस्टली गाइस पीयूष को ना बहुत नॉलेज है कार्स का, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। सौरभ गेम खेलते हैं ना, गेम में सारी कार्स होती है भाई, उसको सब कुछ पता है। उसे पता है V8 इंजन है, मसल कार है, लाइक नॉर्मली लोगों को नहीं आइडिया होता, बट ही नोज एवरीथिंग राइट। मैं जब इतने साल का था ना गाइस पता ही नहीं था दुनिया में क्या करना है, इसे पता ही है मस्टैंग GT है, V8 इंजन। यहां से मुड़ GT नहीं है, मस्टैंग शेल्वी है। यहां से मुड़ नहीं, GT है, शेल्वी केट अपग्रेडेड। तो सौरभ भाई पुल, 3-2-1 लेट्स गो। ट्रिप 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 ट्रिप। ओ भाई भाई 100 पे जा रही, फट जा रही है ये, 80 पे चल रही है। हमें पता लग रहा है कि वो जो हम पीछे बैठे हुए हैं वही तो। मैंने पहली बारी किसी दूसरे इंसान को गाड़ी दी होगी गाइस, बट सही चला ली इन लोगों ने, बट फाट फाट रखी है गाइस, फाट रखी है। भाई साहब पहुंच गए हम लोग एक टाइम पे, तो थोड़ा सा मेरे को भी डर लग रहा था। मैंने कहा भाई ये कहीं फॉर्च्यूनर की तरह ना रोड से बाहर ना निकाल दे, मैंने कहा इन्होंने रोड से बाहर निकाल दिया। मैंने हर बारी बस ये बोल रहा था, मैंने कहा स्पीड में चला लो बट बस रोड से बाहर मत निकालना। क्या एक्सपीरियंस था सौरभ भाई? नेक्स्ट लेवल, मजा आया पीयूषी? अरे यार वो बाहर ही खड़े रह गए यार। हाँ भाई अरे साइन वो करके दिखाओ, ऐसे कूद के दिखाओ बड़ा भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? Happy Holi Sahil भाई। Same to you भाई, same to you। भाई 140। मुझे लगा पीयूष चला के लेकर आ रहा है GT। भाई देखना व्लॉग में, ऐसे भगा रखी थी भाई, हालत खराब गाइस। मेरे को तो उतारो। ये पीयूष अंदर फंस गया, पीयूष आगे करो उसे। कर रहे क्या? खैर हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर, बट देयर इज अ होल चेंज ऑफ प्लान बिकॉज सीनियर बन रहा है। हम लोगों को जहाँ पर जाना ना वहाँ सौरभ भाई और बाकी सब बता रहे हैं कि गाड़ी नहीं जा पाएगी बिकॉज बीच में ना कंस्ट्रक्शन का काम है, एंड वी रियली डोंट वांट गाइस GT का बेस नीचे लगे या फिर टूटे। हमें ना बोला गया था स्पॉन्सर्स की तरफ से कि भाई यहाँ तक रोडे ना बिल्कुल मस्त है, आपकी गाड़ी आ जाएगी, बट अभी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से है कि गाड़ी नहीं पहुँचेगी। सो फिर अभी हम लोग ये डिसाइड करें कि हम लोग ना सौरभ भाई की थार लेकर के जा रहे हैं, एंड सौरभ भाई की थार में आराम से हम लोग ऑफ रोड भी होगा तो हम लोग आराम से ट्रैवल कर लेंगे। तो हम लोग सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं गाइस फॉर्च्यूनर में, एंड उसके बाद फॉर्च्यूनर से थार में। तो गाइस साहिल भाई का ना मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक चीज के लिए, मैं इनकी ना इंस्टा स्टोरीज भी फॉलो अप करता रहता हूँ, एंड एक बहुत भयंकर चीज करके दिखाएंगे, करके दिखाओ साहिल भाई। भाई क्रेजी, हमारे पास भी कुछ बंदर है, करके दिखाना। भाई ये तो भयंकर लगता है, लेकिन साहिल भाई क्या करा कैसे ये तो बताओ। ये ऐसी प्रैक्टिस से मतलब आ जाता है राइट, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सही, कितने साल लगते हैं? हमें तो 10-12 साल लग जाएंगे। साल लग गया बढ़िया, हमें तो 10-12 साल लगेंगे सामान शिफ्ट करते गाइस और निकलते फिर। हैप्पी रंग तो लगवाओ, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे अरे मेरे थोड़ा सा हैप्पी होली, चलो पीयूली पीयूषी। कितने ब्लॉग शूट हो रहे? 3 ब्लॉग शूट हो रहे यहां पर। सबके भी अंडा सीन निकल रहे हैं। हैप्पी होली मेरे भाई, भाई हैप्पी होली, हैप्पी दी। अगली बार H2 लेकर के, नहीं साहिल के लिए लेकर आके आनी है। डन डन डन, सुपर चार्जर राइट, डन। GT हमने सौरभ को दे दी और H2 हम लोग पीयूष भाई को दे रहे हैं, H2 हम लोग साहिल भाई को दे रहे हैं। पीयूष तेरे को क्या चाहिए? मेरे को H2 नहीं चाहिए, सुपरा सुपरा चाहिए। क्या होती है सुपरा भव्य, बताना जरा सुपरा क्या होती है? टोयोटा सुपरा MK4 टर्बोचार्ज। उसके दिमाग से बाहर है चीजें, अभी बोले कि खाने के डिश। ये लो सौरभ भाई, ये अमानत आपकी भी आपसे। थैंक यू, अभी देता हूँ थार की चाबी। मेरे को तो इसके पार्ट निकाल के खाली था।
UK 07 राइडर है ये खतरनाक है यार खतरनाक चलो ठीक है साहिल भाई अच्छा लगा मेरे भाई मिलके बाय बाय मैं वो सीखूंगा गाइस इनसे वो गुलाटी वाला सिस्टम सही है अच्छा नहीं था कि सौरभ भाई के घर पे आके मस्टैंग ड्यूटी करवानी पड़ेगी मैं सोच रहा हूँ पोपट ना होगा इस बस पीयूष 20 मिलियन कैसे करने हैं बताओ ना 20 मिलियन कैसे करने हैं चल रहा हां मैं भी चलता हूं एक और रैप करवा दो उस पे सोच रहा हूं कुनाली जैसा भाई पैदा कर लेता हूं गाइस एक मेरा कुनाली और पीयूष जैसा भाई हो ना तो 20 मिलियन दो ही जाएंगे चलो ठीक है पीयूष बाय बाय मेरे भाई नेक्स्ट टाइम सुपर हां बाय बाय चलो साहिल भाई चलो ओके कल प्रणाम ठीक है ओके क्या शादी में जा रहे हो क्या सारे लोग खुश रखे जीटी में ना हम लोगों ने इन तीनों को बाहर उतरवाया बिकॉज जा ही नहीं सकते थे यार अभी जा रहे हैं जहाँ पर सौरभ भाई की थार खड़ी है वहाँ पर फिर उसके बाद थार उठाएंगे देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो यार हम लोग ना सौरभ भाई की थार लेने आए थे बट चेक दिस आउट गाइस वी हैव गॉट अ मॉन्स्टर ट्रक भयंकर क्या मस्त बना रखा है इसका सस्पेंशन चेक करो गाइस ये मैं देख रहा हूं भयंकर पीयूष निकल जाएगा इसके नीचे से पूरा पूरा गाइस एंड ये ट्रक ना बॉबी भैया का है बॉबी भैया को आपने सौरभ भाई के ब्लॉग में देखा होगा व्हाट्सअप बॉबी भैया क्या हाल है बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छा लगा आपसे पहली बार मिल गए ये सौरभ ना बीच में कंफ्यूज हो रहा था बीच में और मजे की बात बताऊं आपको मैं जी लोग मेरे को बाबू भैया कहने लग गए अभी मेरे सोसाइटी का एक बच्चा मुझे कह रहा बाबू भैया कोई बोबी भैया कह रहे सबने नाम चेंज कर दिया भाई ये तो हमारी वाली रेड थार की तरह है कोई नहीं आधे टाइम वो भी दिखा के आएंगे हम लोग गाइस चेक दिस आउट ये रही सौरभ भाई की थार इस पे हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं गाइस और फिर निकलते हैं यहाँ से आपकी बिल्कुल याद नहीं आएगी मेरे को भी बिल्कुल याद नहीं आएगी बहुत बुरा लग रहा है थैंक यू सो मच फॉर द थार थैंक यू सो मच फॉर जीटी ओके मुबारक हो आप ओनर हैं गाइस चलो ठीक है बाय बाय जीटी से एक्सचेंज हो गई है ये ना बोल ये तो मेरी है जीटी मेरी हो गई बढ़िया गाइस नहीं हम वापस घर चलो वापस घर जा रहे हैं ओके बॉबी भैया मिलते हैं आपसे एक बार बस आपकी वो गाड़ी चलाने के लिए पक्का डन ऑफ रोड बट उसके लिए टाइम निकालना डन 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 बॉबी भैया फिर एक ट्रिप मारेंगे डन चलेंगे डन डन बॉबी आपको ले जाऊंगा बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत सही है हमारे पास बहुत सारे चमगादड़ हैं ऑलरेडी चलो ठीक है ओके याद रखना आपकी गाड़ी हम पे जीटी का ध्यान रखना गाइस हम लोग निकल चुके हैं सौरभ भाई की थार लेकर के यहाँ से भी पहले मैप लगाते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाना है लेट्स गो सर हम लोग निकल चुके हैं थार लेकर के एंड द थिंग इज ये ना ऑटोमेटिक है तो मुझे ना बार बार वहाँ डालने की आदत पड़ी हुई अपनी थार में बट इसके ब्रेक्स ना थोड़े से कम लग रहे हैं प्लस चेक दिस आउट पैसेंजर एयरबैग की खर्च तेरे हरे बैग नहीं खुलेगा भाई का बर्थडे कुछ सब चलेगा कोई नहीं तुम बच जाओ मैं मर जाऊं चलेगा मुझे तेरे को क्यों मरने देंगे हम लोग एंड द थिंग इज गाइस यहां से रिसॉर्ट ना ऑलमोस्ट लाइक 40 किलोमीटर दूर है तो ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा एंड उसके बाद वहां से कुछ घोड़े में भी बैठ करके जाना है आई डोंट नो हम लोग कहां जा रहे हैं बट प्रभजोत इज द पर्सन हु इज मैनेजिंग अस सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी देयर नीचे जाना है एक्चुअली गाइस हम लोग ना भीमताल जा रहे हैं एंड भीमताल के बाद ही हमें रिजॉर्ट मिलेगा सो आई एम रियली एक्साइटेड गाइस होली हम लोग वहीं मनाएंगे और हर्ष का बर्थडे भी मेरे भाई का बर्थडे भाई का बर्थडे तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल और ये देख रहे हो भयंकर पूरा ऑलमोस्ट लाइक रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको ये माना जाता है कि भीमताल की गहराई है ना जो वो कोई भी नहीं नाप पाई है बहुत गहरा है इवन ना बहुत सारे गोताखोर गए थे गाइस इसके अंदर तभी भी वो नहीं नाप पाए थे कि ये कितना गहरा है तो फिर हर्ष भव्य को भव्य तुम्हें फेंक दे इसके अंदर पदमपुरी सो पदमपुरी पहुंचते हुए अप्रोक्स लग जाएगा अभी 15-20 मिनट और बिकॉज केवल 24 किलोमीटर बचा है 15-20 मिनट तो मैं कम बोल रहा हूँ मुझे ऑलमोस्ट लाइक आधा घंटा अभी भी लगेगा बिकॉज अभी रील रूल अपलोड कर रहे थे हम लोग इंस्टाग्राम में एंड गाइस जैसे जैसे हम लोग ऊपर आ रहे हैं ना ठंडा भी बहुत हो रहा है हम लोगों ने गर्म कपड़े इतने ज्यादा रखे नहीं है बस तबियत खराब ना हो गाइस फिलहाल ऊपर पहुंच के मिलते सीधा गाइस चेक दिस आउट हम लोग किन रस्तों पे आ गए और हम लोग सोच रहे थे यहाँ पर हम लोग जीटी लेकर के आएंगे भयंकर ये तो पूरी टूटी हुई रोड है भाई पूरी की पूरी हम लोगों का डिसीजन ना बहुत सही था कि हम लोग जीटी लेकर के नहीं आए नहीं तो फिर हमारा जीटी का बम्पर तो आगे से बम्पर उठा के चलते पीछे से भी दोनों जगह फॉर श्योर लग चुका होता गाइस और वैसे भी इतनी लोडेड थी सही कर हम लोग थार लेकर के आ गए थैंक्स टू सौरभ भाई फॉर द थार चलो आप तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या दो मिनट के लिए बाहर निकलना है बस हां भाई
ऐसा करो मुंडी बाहर निकाल लो। सो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके लोकेशन पर एंड यहाँ पर इतना भयंकर ठंडा हो रहा है ना, हालत खराब हो रही है ठंड से। हम लोगों ने जैकेट जैकेट सब लगा लिए एंड द थिंग इज गाइस इनकी हालत चेक करो, ठंड लग रही है देखो ना। एंड यार हमारे सामान के लिए ना अभी मैं कुछ मंगा लेता हूँ। भव्या के पास तेरी जैकेट छू। एंड द थिंग इज यार हमारा जो सामान है ना वो इन घोड़ों पे जा रहा है, एक घोड़ा ये और एक घोड़ा वो। बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ यार इतना सारा सामान है नाम पे, तो जो रिजॉर्ट वाले लोग उन्होंने भैया औरों को भेज दिया नीचे। यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे का ट्रैक होने वाला है अभी ऊपर तक जाने के लिए। बट बहुत अच्छा लग रहा है यार पहाड़ों में आकर के। मैं नॉर्मली उत्तराखंड ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता हूँ बट ये मेरी पहली बट बहुत सालों बाद मैं उत्तराखंड घूमने आया हूँ। हमारे पास ड्रोन सारा है, बहुत मज़ा आएगा गाइस सुबह यहाँ से ड्रोन उड़ाने में। फिलहाल ठंडा बहुत ज़्यादा है, मैं थार लगाता हूँ गाइस यहाँ पर और फिर ऊपर चलते हैं। गाइस हम लोग ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं, ये चेक करो ये बिल्कुल एकदम पहाड़ वाले रास्ते हैं। मैं बहुत टाइम बाद पहाड़ों में हूँ यार ऐसे। ये देखो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि हवा निकल रही है। फिलहाल हम लोग सब ऊपर जा रहे गाइस, बट बहुत अमेजिंग सफर है गाइस ये, बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस हम लोग कैसे रास्तों से जा रहे हैं, भव्य की हालत ख़राब हो चुकी है एंड नीचे ना पूरा खाई खाई है। हर्ष अकेले मत जागे, हर्ष हॉन्टेड ब्लॉग बना ले। कौन है जो होगी ना वो रात को बताएगी। वो देखो पीछे रह गया हमारे को, हमारी डर लग रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे रिजॉर्ट में एंड हम लोग सीधे अंदर आए बिकॉज बीच में ना व्लॉग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ये तो भव्या तो गाइस आधे रास्ते में केदारनाथ की तरह पलट गई थी। बट मैं आपको बता देता हूँ गाइस अभी हम लोग आए द साइलेंट ट्रेल्स में एंड ये जगह ना गाइस ऑलमोस्ट पलमपुरी से 10-15 मिनट्स की ड्राइव पर है। बट चेक दिस आउट गाइस, क्या मस्त इंटीरियर, क्या मस्त किचन है गाइस एंड क्या मस्त चाय हो रही है। बाहर ना इतनी ज्यादा ठंड है कि हम लोग चाय पी रहे हैं जैकेट पहन करके बैठे हैं इस गर्मी में। बट गाइस हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अभी फिलहाल ना हम लोग खाना खुना खाएंगे। प्रभजोत इज द पर्सन हु इज मैनेजिंग अस हियर, वो हमारे लिए कुछ खाना खुना बनाने गई है। जैसे खाना खुना आता है गाइस फिर रूम चेक इन करेंगे और मिलते हैं फिर आपसे।